नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्वाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे जो इमेज में दिख रहे हैं ना आपको बॉक्स, वो रेलवे स्टेशन में क्यों होते हैं और इन बॉक्स के अंदर होता क्या है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। ओके दोस्तों, जिस तरह सीमा पर लड़ने के लिए जवान को उचित और पर्याप्त गोला बारूद हथियार इत्यादि की आवश्यकता होती है ना, ठीक उसी तरह भारतीय रेल में भी ट्रेन के गार्ड और लोको पायलट को भी ट्रेन को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से शुरुआती स्टेशन से यात्रा शुरू करके गंतव्य स्टेशन तक पहुँचने के लिए कुछ साजो सामान की आवश्यकता होती है और इस सामान को व्यक्तिगत भंडार यानी पर्सनल स्टोर कहा जाता है। दोस्तों इसमें से कुछ सामान सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होते हैं और कुछ सामान इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं। दोस्तों ये सामान गार्ड और लोको पायलट दोनों की ज़रूरत के हिसाब से कुछ कुछ एक जैसा और कुछ कुछ अलग भी होते हैं, जिसे रेलवे द्वारा अलॉटेड किया जाता है। दोस्तों इस सामान को सेफ और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखने एवं एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए गार्ड और लोको पायलट स्टील के एक मजबूत बॉक्स में ताला लगाकर रखते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म और यार्डों में हर सिचुएशन में सुरक्षित पड़े रहते हैं। और दोस्तों ऐसे बॉक्स को लाइन बॉक्स भी कहते हैं। यूजुअली ऐसे काले रंग के बड़े आकार के लाइन बॉक्स को आमतौर पर बड़े बड़े गुड्स यार्ड एंड जंक्शन स्टेशनों पर जहाँ ट्रेन क्रू की अदला बदली होती है ना, वहाँ प्लेटफॉर्म के दोनों एंड्स पर और जहाँ लोकोमोटिव और गार्ड का ब्रेक वैन आगे रुकता है, वहाँ इस तरह के बॉक्स अक्सर देखने को मिलते हैं और क्रू लॉबियों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों इन लाइन बॉक्सों को गार्ड, ब्रेक वैन और लोकोमोटिव की ड्राइविंग कैब में जरूरत अनुसार चढ़ाने और उतारने के लिए ऐसे बड़े बड़े स्टेशनों पर बॉक्स बॉय नियुक्त किए जाते हैं, जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद प्री प्लान प्रोग्राम के अनुसार आने वाले गार्ड और लोको पायलट का लाइन बॉक्स उतारते हैं और फिर क्रू लॉबी या स्टेशन मास्टर से मिली जानकारी के अनुसार जाने वाले गार्ड और लोको पायलट का बक्सा भी चढ़ा देते हैं। दोस्तों इनकी पहचान के लिए गार्ड और लोको पायलट इन बक्सों पर सफ़ेद रंग से बड़े अक्षरों में उनका पूरा नाम, पदनाम और मुख्यालय का नाम भी लिखते हैं और साथ साथ पहचान चिन्ह भी अंकित करके रखते हैं, जिससे बॉक्स बॉय को सही ट्रेन में सही क्रू का लाइन बॉक्स चढ़ाने में मदद मिल सके और ट्रेन इस कारण से डिले न हो। दोस्तों कुछ शेयर लाइन बॉक्स भी होते हैं जिन्हें क्रू लॉबी द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में जब किसी क्रू का लाइन बॉक्स किसी और स्टेशन पर छूटने या अन्य किसी वजह से ठीक समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण उपलब्ध नहीं होता है, उस टाइम उसे भी उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन बक्सों में होता क्या है। दोस्तों रेलवे के सामान्य असिस्टेंट नियमों के अनुसार गार्ड और लोको पायलट के लिए निर्धारित किया गया व्यक्तिगत सामान ड्यूटी करते समय यानी कि ट्रेन संचालन के दौरान उनके साथ रहना ही चाहिए और यही सामान इन बक्सों में रखा जाता है, जो कि गार्ड के लिए एज फॉलोज है। पहला है अपडेटेड एक्सीडेंट मैनुअल बुक या कम से कम इस बुक का उसकी ड्यूटी से रिलेटेड पार्ट। दूसरा है अपडेटेड जनरल एंड हेल्पफुल रूल बुक या कम से कम इस बुक का उसकी ड्यूटी से रिलेटेड पार्ट। दोस्तों ये दोनों बुक्स अब डिजिटल फॉर्म जैसे कि मोबाइल में पीडीएफ फाइल में आ गए हैं और रेलवे ने इसकी इजाज़त भी रेलवे कर्मचारी को दी है और इसे मांगे जाने पर अपने सीनियर ऑफिसर को प्रेजेंट किया जाना कंपलसरी है। दोस्तों उसकी ड्यूटी से रिलेटेड पार्ट के अंडर इस पुस्तक की जगह गार्ड हैंड्स बुक भी हो सकती है। तीसरा है गार्ड की मेमो बुक। चौथा इमरजेंसी क्रैकर सिग्नल। पांचवा है दो लाल एवं एक हरी झंडी डंडे के साथ लगाए हुए। छठवा है पेडलॉक यानी ताला। सातवा है MU पाइप के लिए रबर वॉशर 3। आठवा है पार्सल लोडिंग मैनुअल। नौवा है LED टाइप के टेल लैम्प और टेल बोर्ड रिस्पेक्टफुली रात और दिन में लास्ट व्हीकल के पीछे लगाने के लिए। दसवा है डिटेचेबल एयर प्रेशर गेज एडाप्टर के साथ सिर्फ गुड्स गार्ड के लिए। 11वां एक फ्यूजन सिग्नल जहां निर्धारित किया गया हो। 12वां LED टाइप की 3 लाइट्स ग्रीन, रेड एंड वाइट वाले हैंड लाइट यानी टॉर्च। दोस्तों पैसेंजर ट्रेन के गार्ड के बॉक्स में फॉलोइंग एडिशनल सामान भी होगा। कैरेज की कंप्लेंट बुक, फ्लैश लाइट विथ सेल, एक लाइट फर्स्ट एड बॉक्स, एयर ब्रेक कोच की ACP यानी अलार्म चेन पुलिंग को रिसेट करने की चाबी। दोस्तों इन सब सामानों के साथ ही जरूरत का अन्य व्यक्तिगत सामान भी इन बक्सों में रखा जा सकता है, जैसे कुछ लोग आवश्यकता अनुसार चादर, तौलिया, नैपकिन, राइटिंग पैड, स्टेशनरी, सीट कवर इत्यादि भी अपनी सुविधा के लिए इसमें रख देते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि इन बॉक्स में क्या रहता है और रेलवे स्टेशन में इन टाइप के बॉक्स क्यों रखे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए
ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।